हेलो दोस्तों, अतुल्य आदेश के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं विवेक बंसल आपके लिए लेकर आया हूँ बैंक के ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों, हम इसमें कोऑपरेटिव एक्ट 2001 से रिलेटेड अभी तक उन्होंने 3 वीडियो कर ली है, लगभग लगभग 120 से ज़्यादा अपने वन लाइनर कर लिए हैं, पर अपने 120 मानकर चलते हैं। तो दोस्तों, आज जो चौथा पार्ट आने जा रहा है आपके लिए, इसमें भी अपने 40 वन लाइनर करने जा रहे हैं। पर दोस्तों, 40 वन लाइनर करने से पहले, आज जो चौथी वीडियो, अगर किसी ने पहले इससे पहले 3 वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर देख लीजिए और लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा व्यू होंगे, उसी पर डिपेंड करता है कि फिफ्थ वीडियो आए या नहीं आए, ठीक है। तो दोस्तों, आज ज़्यादा टाइम ना लेते हुए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, वापस से कह दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए, जितने ज़्यादा व्यू होंगे उसी हिसाब से नेक्स्ट वीडियो आएगी। 5 वीडियो मैंने कम से कम आपको कहा था, 5 वीडियो में लगभग आपके जो भी 1 से लेकर 16 अध्याय हैं उसके 200 वन लाइनर क्वेश्चन हो जाएंगे। मतलब 16 अध्याय के अंदर आपका कोऑपरेटिव एक्ट 2001 है, उसके 200 क्वेश्चनों के अंदर लगभग पूरा आ जाता है। फिर भी कुछ कमी रहेगी तो वो आप पे डिपेंड करता है, जितने ज़्यादा व्यू होंगे उसी हिसाब से वो नेक्स्ट वीडियो आ पाएगी। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। राजस्थान जोत अधिनियम कौन सा है या कौन सा वर्ष है? 1964 है दोस्तों। राजस्थान जोत अधिनियम कौन सा वर्ष है? 1964 है। और एक क्वेश्चन और आया था कि सर, भूमि विकास बैंक का ओल्ड नेम क्या है? भूमि विकास बैंक का ओल्ड नेम बंधन बैंक है। भूमि विकास बैंक का जो पुराना नाम था वो बंधन बैंक था, और इसकी एक ही मात्र एक शाखा है जयपुर में है जो, ठीक है। दोस्तों, राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा जारी किए गए ऋण पत्रों के लिए, राज्य भूमि विकास बैंक जो ऋण पत्र जारी करता है के धारकों के प्रति बैंक के दायित्वों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किसकी नियुक्ति की जाती है? अब जो राज्य भूमि विकास बैंक है जो ऋण पत्र जारी करता है, अब जिन्होंने भी जो ऋण पत्र लिए हैं, ऋण पत्र धारक हैं, ठीक है, तो उनके दायित्वों की पूर्ति, उनके दायित्व कौन पूरे कर सकता है, उसकी सुनिश्चित करने के लिए किसकी नियुक्ति की जाती है? ट्रस्टी की, हिंदी में न्यासी की, ट्रस्टी की नियुक्ति की जाती है दोस्तों, न्यासी की। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि विकास बैंक द्वारा जारी किए गए ऋण पत्रों का विमोचन कितने वर्षों में किया जाएगा? मतलब जो भूमि विकास बैंक ने ऋण पत्र जारी किए हैं, अब ऋण पत्र तो उन्होंने जारी कर दिया, लोगों ने ले भी लिए, लोगों ने ऋण पत्र लिए तो उसके बदले में भूमि विकास बैंक को पैसा दे दिया। अब भूमि विकास बैंक का दायित्व क्या है कि उसको वापस कब पे करे, मैक्सिमम टाइम कितना हो सकता है दोस्तों, मतलब भुगतान कितने, मतलब शोधन जो भी है, ऋण पत्र जो भी लिए हैं उनको वापसी, वो जो धारक हैं वो ऋण पत्र वापस करेंगे और उनको उसके बदले में वापसी पैसा मिल जाएगा, तो ये कितने टाइम तक हो सकता है दोस्तों? 30 वर्ष के अंदर अंदर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि विकास बैंक के ऋण पत्र कौन सी धारा के अनुसार जारी किए जाते हैं? जो भूमि विकास बैंक है उसके जो ऋण पत्र हैं, कौन सी धारा के अनुसार जारी किए जाते हैं? वापिस से बोल रहा हूँ, ऋण पत्र कौन सी धारा में आते हैं दोस्तों, जोड़ दे रहा हूँ इस वर्ड पर, पूछा जाएगा ऋण पत्र, भूमि विकास बैंक जो ऋण पत्र जारी करता है कौन सी धारा में आते हैं? धारा 70 में वो ऋण पत्र आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि विकास बैंक की उधार देने और भूमि धारण करने की शक्ति कौन सी धारा में निहित है? भूमि विकास बैंक जो उधार देता है और भूमि धारण करता है, उधार देगा तो भूमि तो लेगा ही, भूमि विकास बैंक क्या करता है, भूमि के बदले में ही उधार देता है, तो उधार देगा और भूमि क्या करेगा, धारण करने की शक्ति कौन सी धारा में निहित है? मतलब ऐसा करने के लिए भी उसे एक शक्ति निहित होती है, वो कौन सी धारा में आती है दोस्तों? धारा 73 के अंदर आती है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 74 के अनुसार उधार देने के आवेदकों के साथ व्यवहार करने की रीति, अब जो उधार दे रहे हैं उनके साथ कोई व्यवहार करने की रीति होती होगी तो उसका कोई नोटिस होता है, उधार देने की रीति का कौन सा नोटिस जारी किया जाता है? सार्वजनिक नोटिस जारी किया जाता है दोस्तों। कौन सा नोटिस होता है? सार्वजनिक नोटिस। जो उधार दे रहे हैं उनके लिए कोई व्यवहार की रीति आती है वो कौन सी होती है? वो धारा 74 के अंदर आती है। और कौन सा नोटिस होता है? सार्वजनिक नोटिस होता है। उधार देने की जो रीति है उसके अंदर धारा कौन सी आती है? धारा 74 आती है। उनके व्यवहार के लिए, व्यवहार के लिए कौन सी धारा आएगी दोस्तों? 74 आएगी। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, उधार देने की रीति के व्यवहार को कार्यवाही के लिए कौन सी न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है? जो उधार देने की रीति का व्यवहार है को कार्रवाई के लिए, जो इसकी कार्रवाई, अगर उधार देने की रीति का व्यवहार ढंग से नहीं है तो उसकी कार्रवाई भी होगी, ठीक है, तो उसके लिए कौन से न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है?
सिविल न्यायालय में धारा 74 में बंधक की भूमि के, जो बंधक है, जो बंधक मतलब मॉर्गेज लोन होता है, जो उधार देते हैं उसके बदले में जो प्रॉपर्टी बंधक होती है उसको बंधक बोला जाता है, मॉर्गेज बोला जाता है। धारा 76 में बंधक की भूमि के निष्पादन के लिए किसानों के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया था? राजस्थान कृषि उधार अधिनियम 1957 लागू किया गया था दोस्तों, राजस्थान कृषि उधार अधिनियम 1957। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि विकास बैंक के पक्ष में किए गए, जो भूमि विकास बैंक है के पक्ष में किए गए बंधकों और पट्टों का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रीकरण अधिनियम कौन सा है? जो भूमि विकास बैंक है के पक्ष में जो भी बंधक हैं और पट्टों का जो रजिस्ट्रीकरण है वो किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? जो बंधक है मॉर्गेज है, जिसने प्रॉपर्टी देखकर लोन लिया है वो प्रॉपर्टी के बदले लोन, उसको मॉर्गेज बोला जाता है, बंधक बोला जाता है, तो इसके लिए कौन सा अधिनियम है दोस्तों? 1908। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त हिंदू कुटुंब के कर्ताओं द्वारा निष्पादित बंधक की धारा निश्चित की गई है। जो संयुक्त हिंदू कुटुंब है उनके कर्ता, जो हिंदू कुटुंब होते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, तो उसके अंदर जो मेन कर्ता होता है, तो उसके निष्पादित बंधक की धारा कौन सी की गई है, कौन सी निश्चित की गई है? धारा 81 है। धारा 87 के अनुसार भूमि विकास बैंक द्वारा उधार, जो उधारी है उसकी वसूली के कौन करता है? जो भूमि विकास बैंक ने उधार दिया है वो उसकी वसूली कौन करेगा? तो भूमि विकास बैंक खुद ही करेगा। ये किस धारा में आती है? धारा 87 में आती है। कुर्क करने की शक्तियों में भूमि विकास बैंक बंधक संपत्तियों में किन्हें शामिल करता है? अब जो कुर्क, अब लोन नहीं आया, लोन तो उन्होंने दे दिया भूमि विकास बैंक ने, अब लोन वापिस नहीं आ रहा, रीपेमेंट नहीं हो रहा, एनपीए हो रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा मतलब एसेट जिस पर बैंक ने तो लोन दिया था पर अब उसके बदले में उसके पास लोन नहीं आ रहा, किस्त नहीं आ रही, ठीक है, तो इसमें जो संपत्ति दी हुई उसको कुर्क करेंगे, उससे लोन वसूलेंगे। कुर्क करने की शक्ति में भूमि विकास बैंक बंधक संपत्तियों में किन्हें शामिल करता है? तो ये बंद कीट भूमि, खड़ी फसल और किस्तों पर चुकाई गई राशि को शामिल करता है। कुर्की की संपत्ति का मूल्य किसके बराबर होता है? कुर्की की संपत्ति, जो कुर्क की जाती है, जो संपत्ति है उसको जो अपने बेचेंगे, ठीक है, जब अपने पास लोन वापस नहीं आ रहा तो कुर्क की निकालेंगे, ठीक है, अब उसके बदले में जो संपत्ति बेच रहे हैं उसका मूल्य किसके बराबर होना चाहिए? शोध्य करक के बराबर। कुर्की के व्यय तथा बिक्री के खर्च, जो कुर्की करेंगे उस पर जितना व्यय आएगा और जो खर्च आएगा और संपत्ति के मूल्य के बराबर होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। वापस से बता दूं, जितने ज़्यादा लाइक होंगे, शेयर होंगे, जितने ज़्यादा व्यू आएंगे उसी हिसाब से आपकी नेक्स्ट वीडियो डिपेंड करती है दोस्तों। तो दोस्तों एक चीज़ और, PDF फाइल की डिमांड आ रही है कि सर आप इसे हमें PDF में प्रोवाइड करवा दीजिए। तो दोस्तों 13 तारीख तक आपको इसकी PDF मिल जाएगी। जिन्होंने भी PDF लेनी है, अभी डिस्क्रिप्शन में आपके पास एक नंबर आएगा, उस पर आप या तो गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, किसी से भी पेमेंट करिए और उसके स्क्रीनशॉट लीजिए। आप स्क्रीनशॉट हमें मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, ठीक है, तो आपको व्हाट्सएप पर ही इसकी PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो दोस्तों इसके नॉर्मल से चार्जेस हैं, 15 रुपीज़ आपसे लिए जाएंगे, 15 रुपये आपसे लिए जाएंगे दोस्तों। इसमें 2001 और 2003 के भी मैं आपको वन लाइनर दे दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों 13 तारीख से आपको PDF अवेलेबल हो जाएगी, पर उसके लिए आपको गूगल पे, फोन पे या पेटीएम से आपको पैसे ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, पैसे भेजने पड़ेंगे। नीचे आपको एक नंबर आ जाएगा, उस पर आपने, ठीक है, फोन पे से करना है या गूगल पे, और उसका जो स्क्रीन शॉट है वो ले लेना है, वो हमें सेंड करना है। जैसे ही हमारे पास स्क्रीन शॉट आ जाएगा, रुपये आ जाएंगे, तो हम आपको PDF भी प्रोवाइड करवा देंगे दोस्तों। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रार की अपीलीय शक्ति का प्रयोग रजिस्ट्रार के अलावा कौन कर सकता है? जो राज्य सरकार एक रजिस्ट्रार नियुक्त करती है, क्या उसके जो अलावा भी कोई, उसके जो रजिस्ट्रार को जो शक्ति दी गई है, क्या उसका भी कोई प्रयोग कर सकता है क्या दोस्तों? नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि सरकार ने एक ही आदमी बनाया है, उसको रजिस्ट्रार बना दिया कि आप जाइए, आप काम करिए। क्या उसके अलावा भी कोई रजिस्ट्रार बनकर आ जाएगा क्या, या फिर उसकी शक्तियों प्रयोग कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राज्य सरकार द्वारा सहकारिता की अपील पुनर्निरीक्षण और पुनरावलोकन की अपील रजिस्ट्रार के पास कितने समय में कर सकता है? राज्य सरकार द्वारा सहकारिता की अपील, राज्य सरकार है वो सहकारिता की अपील
पुनर्निरीक्षण और पुनर्वलोकन की अपील रजिस्ट्रार के पास कितने समय में कर सकते हैं? दोस्तों 90 दिनों के अंदर उसको करनी पड़ेगी। अधिकरण का गठन, ट्रिब्यूनल जो होते हैं उनका गठन, अधिकरण का गठन मीन्स, और अपीलीय शक्ति का प्रयोग किसके नाम से कर सकते हैं? राजस्थान राज्य सहकारी अधिकरण के नाम से किया जाता है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिकरणों की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग, अधिकरण है उनकी प्रदत्त शक्तियां हैं उनका प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार इन संपत्तियों में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य नियुक्त करती है? अधिकरण की जो प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग है करने के लिए, अधिकरण की जो शक्तियाँ हैं प्रोवाइड करवाई जाती है, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार इन समितियों में अध्यक्ष के समेत कितने लोगों को नियुक्त करती है, कितने सदस्य भेजती है? अध्यक्ष सहित तो कुल कितने होते हैं? तीन होते हैं, एक अध्यक्ष दो अन्य, ठीक है। और अगर बिना अध्यक्ष के पूछे, मतलब अध्यक्ष सहित तो तीन लोग भेजेगी, बिना अध्यक्ष के दो लोग और होते हैं, ठीक है। अधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कितने समय के लिए की जाती है? जो अधिकरण है, ट्रिब्यूनल है, उसके जो अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं उनकी नियुक्ति कितने समय के लिए होगी दोस्तों? 5 सालों के लिए होगी, 5 ईयर के लिए होगी दोस्तों, 5 वर्ष के लिए। किसी पक्षकार के द्वारा पुनर्विलोकन के लिए, पुनर्वलोकन करना है के लिए कोई आवेदन अधिकरण के आदेश में से सूचित की तारीख से कितने दिनों के भीतर भीतर किया जाएगा? जो किसी पक्षकार के द्वारा पुनर्वलोकन के लिए कोई आवेदन है अधिकरण के आदेशन से कितने दिनों के भीतर किया जाना चाहिए? तो दोस्तों 90 दिनों के अंदर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी या इसका कोई समानार्थी शब्द का कोई भी अपने व्यापार में प्रयोग कर सकता है क्या? कोई भी गवर्नमेंट वर्ड या सहकारी का जो भी है, क्या अपने व्यवसाय में या कोई भी अदर व्यक्ति यूज में ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। आज क्या मैं मेरे नाम के आगे PM लगा लूं? नहीं लगा सकता। तो वही वर्ड है क्या, मैं सहकारी जो वर्ड है कोई भी यूज ले लेगा क्या? कोई भी गवर्नमेंट का नाम का यूज ले सकता है क्या? नहीं ले सकता दोस्तों ये, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति सहकारी शब्द का गलत प्रयोग करता हुआ पाया जाता है, कोई मान लो कि मैं PM शब्द लगाने लग जाऊं या, ठीक है, तो इसका गलत उपयोग करता हुआ पाया जाऊं, ठीक है, प्रयोग करता हूं, तो उस पर जुर्माना होगा। जुर्माना तो होगा, कितने रुपयों का जुर्माना होगा? पहली बात, जुर्माना होगा और जुर्माना 5,000 रुपये तक का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर सहकारी शब्द का गलत प्रयोग पर अपराधी दोषी पाया जाता है, मान लीजिए किसी ने गलत वर्ड यूज किया, सहकारिता का गलत उपयोग कर लिया और वो अपराधी भी माना गया और अभी भी वो अपराध चालू रख रहा है, वो अभी भी उसको यूज में ले रहा है, ठीक है, तो प्रतिदिन कितने रुपए वसूल किए जाएंगे? तो 100 रुपये डेली के वसूल किए जाएंगे। 5,000 रुपये तो फाइन है और अभी भी वो कंटिन्यू वही करता जा रहा है, तो 100 रुपये और डेली के हिसाब से उस पर चार्जेस लगेंगे। सहकारी शब्द धारा 108, वापिस से मैं एक वर्ड पर जोर दे रहा हूँ, उस पर ध्यान से सुनना, धारा 108, सहकारी शब्द धारा 108 में अपराध, धारा 108 में क्या है? अपराध और दंड अगर कोई व्यक्ति करता है, सहकारी शब्द धारा 108 में अपराध और दंड अगर कोई व्यक्ति करता है, तो धारा 38 की उपधारा 1 के अनुसार क्या सजा होगी? धारा 38 की उपधारा 1 के अनुसार उसे क्या सजा मिलेगी? 6 माह की जेल और 5,000 रुपये जुर्माना दोनों। अगर धारा 108 के अंदर तो सहकारी शब्द के में अपराध और दंड किसी व्यक्ति को मिलते हैं, और धारा 38 की एक धारा की उपधारा के अनुसार क्या सजा है? 6 महीने की सजा है और 5,000 रुपये उस पर जुर्माना है। अधिकरण किस धारा के तहत गठित किया गया है? जो ट्रिब्यूनल है वो किस धारा के तहत गठित किया जाता है दोस्तों? 105 के अनुसार। दंड प्रक्रिया अधिनियम 1973 कब पारित हुई? 1974 में। आपसे पूछा जाएगा दंड प्रक्रिया अधिनियम 1973, जो दंड देना है उसके लिए प्रक्रिया जो भी है, वो अधिनियम 1973 कब पारित हुआ था? 1974 में जाकर पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अधिनियम के अधीन किसी अपील की सुनवाई करने वाले अधिकरण को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 97 और तो प्रथम सूची की अपील की शक्ति किसके पास है? न्यायालय के पास है दोस्तों। किसी अधिनियम के अधीन, वापिस से बोल देता हूँ, किसी अधिनियम के अधीन किसी अपील की सुनवाई करने वाले अधिकरण को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 97 और प्रथम सूची की अपील की शक्तियां किसके पास है दोस्तों? न्यायालय के पास है। यदि भूमि विकास बैंक व्यक्ति कर्मी के विरुद्ध धारा 85 या धारा 88 में कार्य करने में असफल हुआ, अब भूमि विकास बैंक है,
अब वो क्या कहते हैं, कोई भी व्यक्ति कर्मी है उसके विरुद्ध धारा 85 या 88 में कार्रवाई करने के लिए असफल हुआ, तो कौन कार्रवाई करेगा? जो ट्रस्टी है, न्यासी है, वो कार्रवाई करेगा। ठीक है, अब वो कार्य कर नहीं पाया व्यक्ति के खिलाफ, मतलब व्यक्ति कर्मी के विरुद्ध नहीं जा पाया, मीन्स उसकी भूमि सेल नहीं कर पाया, तो अब ट्रस्टी करेगा ऐसा चीज़। धारा 90 में भूमि विकास बैंक द्वारा बंधकित संपत्ति की बिक्री की पुष्टि कौन करता है? अब जो धारा 90 है उसके अंदर बंधकित जो भूमि आती है उसकी, उसको जो बेच दिया, सेल कर दिया, उसकी पुष्टि आती है कि धारा 90 में क्या आएगी, जो बंधकित संपत्ति है उसकी बिक्री हो गई है या नहीं हुई। अब उसकी पुष्टि कौन करता है? रजिस्ट्रार करता है। लोन की वसूली में, लोन की वसूली में भूमि विकास बैंक द्वारा बिक्री की गई भूमि, जो भूमि विकास बैंक है उसने जो बिक्री की गई भूमि है या संपत्ति के बाद बकाया राशि का प्रमाण पत्र कौन देता है? अब जो संपत्ति के बाद बकाया राशि रह जाती है उसका प्रमाण पत्र कौन देगा दोस्तों? उसका प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार देगा। भार के परिवर्तन की धारा कौन सी है? भार के परिवर्तन की धारा कौन सी है दोस्तों? धारा 99। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आदेशों के निष्पादन में आदेशों का पालना नहीं होते तो उसकी कहाँ अपील की जाती है? सिविल न्यायालय में। जो आदेशों के आदेश मिले थे उसकी पालना नहीं हो रही तो उसकी कहाँ अपील करेंगे दोस्तों? सिविल न्यायालय में ही तो जाएंगे। धारा 102 में सरकार को दे धनराशियों में सरकार को दिलवाया गया कोई खर्चा शामिल होता है तो वसूल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? किया जाएगा। धारा 102 में अगर कोई सरकार कोई अपने धनराशि, भूमि विकास बैंक या कोई भी है, वो सरकार को राशि दिलवा रहा है तो उससे जो भी खर्चा लगेगा वो तो सरकार से लेगा ही लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 103 के अनुसार जो संपत्ति सहकारी समितियों द्वारा नहीं बेची जाती, जो संपत्तियाँ जो संपत्ति सहकारी समितियों द्वारा नहीं बेची गई तो उसके लिए संपत्ति का मालिक कहाँ अपील कर सकता है? अब बेच ही नहीं रहे संपत्ति, अब जो सहकारी समितियाँ हैं वो बेच ही नहीं पा रही और कह रही है कि अभी हमें पैसा दो, हम नहीं बेचते, तो वो कहाँ जाकर अपील कर सकता है जिसकी प्रॉपर्टी है? वो कलेक्टर के पास जा सकता है, न्यायालय में जा सकता है, सोसाइटी में भी जा सकता है। सोसाइटी के जो शीर्ष मेंबर हैं उनको बोलेगा कि ये काम नहीं कर रहे, अभी तक प्रॉपर्टी बेची नहीं और मुझे पैसों की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आज के लगभग अपने 30 से 33 क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्तों, 7-8 क्वेश्चन जितने भी रहे हैं वो अभी अपना उन्हें और करते हैं दोस्तों, वन लाइनर जो भी रहे हैं। तो दोस्तों आप चाहते हो कि इसी तरीके से 5th वीडियो भी आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर किसी को PDF चाहिए तो मैं वापस से बता दूं, नीचे एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप ठीक है वहाँ पर एक नंबर दिया गया है, आप गूगल पे, फ़ोन पे या Paytm से 15 रुपये पे करिए और आप PDF प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। उसमें 200 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको आएंगे, वन लाइनर मिलेंगे आपको दोस्तों, और ये 13 तारीख से आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, सहकारी शब्द के दुरुपयोग का प्रतिषेध कौन सी धारा में है? धारा 108 में है, अपनों ने भी बात की थी सहकारी शब्द के दुरुपयोग का प्रतिषेध कौन सी धारा में है? धारा 108 में है। प्रत्येक सहकारी सोसाइटी का क्या क्या दायित्व बनता है, क्या क्या कर्तव्य होते हैं दोस्तों? कर्तव्य क्या क्या हैं? अपने अधिकारियों की आधारभूत आवश्यकताएँ पूरी करें और सहकारी शिक्षा दें। अपने अधिकारियों की जो भी आधारभूत जो भी आवश्यकताएं उनको पूरा करें और सहकारी शिक्षा दे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक सहकारी सोसाइटी में बजट की पर्याप्त व्यवस्था कौन करता है? जो भी बजट है उसकी व्यवस्था कौन करेगा? उसी के सदस्य ही तो करेंगे, जो सोसाइटी के सदस्य हैं। अगर सोसाइटी में बजट कम पड़ रहा है या फिर जो किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने वाले रुपये हैं वो कम पड़ रहे हैं तो बजट ही हो गया वो एक टाइप में, तो वो कौन अरेंजमेंट करेगा? सोसाइटी के सदस्य ही तो लाएंगे। प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की सहकारी शिक्षा कौन देता है? अभी अपनों ने पढ़ा था सहकारी सोसाइटी के कर्तव्य क्या क्या होते हैं, तो अब इसमें जो अपने पास एक कर्तव्य था सहकारी सोसाइटी की सहकारी शिक्षा कौन देता है उसमें ये था, तो ये कौन देता है दोस्तों? वहाँ का प्रबंधक जो होता है वो इन्हें सहकारी शिक्षा देता है। सदस्यों के दिवाले में धारा 112 सदस्यों के दिवाले में धारा 112 क्या बोल रहा हूँ धारा 112 सदस्यों के दिवाले में धारा 112 सदस्यों पर कौन दावा कर सकता है? सोसाइटी दावा कर सकती है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को लेखे देखने का अधिकार कौन सी धारा में प्रदान है? सोसाइटी के जो सदस्य हैं उनको लेखे देखने हैं और उसका ये जो अधिकार है वो कौन सी धारा में है? धारा 112 के अंदर है दोस्तों। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, सदस्यों को सोसाइटी के लेखों को देखने का क्या शुल्क लगता है? अगर कोई भी सदस्य है उसको सहकारी सोसाइटी के लेखों को देखना है तो उसका शुल्क लगता है क्या, और लगता है तो कितना लगता है या फिर नहीं लगता? दोस्तों इसका कोई भी शुल्क नहीं लगता, अगर सदस्य ही है और उन्होंने लेखे देखने हैं तो उसका कोई चार्जेस नहीं लगता। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।